तो इस वक्त पूरे भारत में ही मॉनसून ने कहर मचाया हुआ है। तमाम जगहों पर फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर जो है लैंडस्लाइड्स की वाकया जो है देखने को मिला है। दिल्ली में बात करें तो लगातार कल देर रात से ही तेज बारिश जो है वो देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में भी बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। और जम्मू में भी तमाम कुछ इलाके हैं जहां पर आज सुबह से ही लगभग सुबह के 3 से 4 बजे के करीब अगर बात करें तो कई जगहों पर फ्लैश फ्लड्स आए हैं, लोगों के घरों तक पानी जो है वो देखने को मिला। और इसी बीच दिल्ली में भी बात करें तो वहां पर भी लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, और जिसके चलते बताया जा रहा है कि वहां पर 2 जाने भी जो हैं इस बारिश की वजह से गई हैं। और आज तमाम स्कूल जो हैं वो दिल्ली में बंद किए गए। बताया जा रहा है कि एक महिला और उसके बच्चे की बात करें तो वो वाटर लॉगिंग एक की वजह से ड्रेन में जो है वो गिर गए। और गाजीपुर में ये वाकया पेश आया ईस्ट दिल्ली में, जहां पर उन दोनों की मृत्यु हो गई है। और हैवी रेनफॉल जो है इस वक्त नेशनल कैपिटल दिल्ली में देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ स्कूल्स की बात करें तो आज दिल्ली में चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, आज सभी स्कूल्स को जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में तमाम लोग जो मॉनसून इंजॉय करते हैं तो जरूर ध्यान रखें, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या जम्मू में भी देखने को मिल रही है। कई इलाके हैं, गोल गुजराल का इलाका है, वहां पर अजीत कॉलोनी में भी तमाम लोगों के घरों के अंदर जो है पानी घुस गया है। लोग काफी ज्यादा परेशान है कि इस सिस्टम से कि क्यों लगातार जब इस तरह बारिश होती है तो लोगों के घरों तक पानी जो है वो देखने को मिलता है। तो लगातार इस तरह के वाक्य जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं, और खासतौर पर दिल्ली में भी बात करें तो वहां पर भी कुछ दिन पहले ये वाक्य जो है पेश आया था, जहां पर एक लाइब्रेरी कोचिंग सेंटर की बात करें तो वहां पर 3 बच्चों की जो है मृत्यु हो गई थी, कि कुछ ही मिनटों में पानी जो है इतना ज्यादा हो गया था कि उनकी जान चली गई थी। तो ऐसे में प्रशासन को जरूरत है कि इन तमाम चीजों पर काम किया जाए, और खासतौर पर वाटर लॉगिंग की बात करें जहां पर म्युनिसिपैलिटी की इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है। ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से नहीं बनाया जाता कि जब लगातार बारिश हो तो क्यों ये बार बार वाटर लॉगिंग की समस्या जो है जम्मू में भी देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, और आप देखते रहिए।